مو بينه مو بينك حبيبي من تحرش لا كمل علي بلا كملوا عليك الصلاة. मोहतरम नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया पर एक बहुत बहुत प्यारी और बहुत अच्छी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक यमनी लड़का इसलिए ज़ारो क़तार रो रहा है कि जमात के साथ मस्जिद में उसकी नमाज छूट गई है। दोस्तों ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है ये यमन की बताई जा रही है और जो लड़का इसमें रो रहा है वो यमन का ही रहने वाला है और उसकी आँखें अश्कबार हैं और रो रो कर पूछने वाले को जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। वो रो इसलिए रहा है कि मस्जिद में जमात के साथ वो नमाज नहीं पढ़ सका, वो लेट हो गया, जिसका उसे इस कदर अफसोस है कि उसकी आँखें बहने लगी, उसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। जरा गौर तो करें, जब इससे पूछने वाले शख्स ने पूछा कि क्या हुआ दोस्त, तुम्हें किस बात ने परेशान किया है, तो वो छोटा सा लड़का जवाब देता है कि मस्जिद में जमात से नमाज मुकम्मल हो चुकी है। फिर वो शख्स कहता है कि क्या लोगों ने मस्जिद में नमाज अदा कर ली है, तो लड़का कहता है कि हाँ। पूछने वाला फिर पूछता है वो कौन है जो तुम्हें अपने साथ लिए बिना इतनी जल्दी मस्जिद चला गया, तो लड़का कहता है कि मेरे वालिद हैं जिन्होंने मुझे छोड़ दिया और अकेले ही मस्जिद चले गए। वो शख्स फिर उस लड़के के बाप से कहता है अल्लाहु अकबर, तुमने इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया ओ अब्दुल रहमान। इसके बाद उस लड़के के वालिद कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी में था और इसे बुलाया भी, ये मेरे साथ नहीं आया तो मुझे लगा कि ये अभी तैयार नहीं है और मैं मस्जिद चला गया। लड़का रो रो कर कहता है इन्होंने मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ ली और मेरी छूट गई, मुझे इसका अफसोस है और इसीलिए मैं रो रहा हूँ। कुर्बान चाहिए लड़के की सोच पर कि इतनी सी उम्र में वो इसलिए रो रहा है कि वो बजमात नमाज नहीं पढ़ सका। शख्स कहता है कि बेटे अब घर जाओ और घर जाकर नमाज पढ़ लो, अगली बार जल्दी तैयार हो जाना जिससे जमात से नमाज पढ़ सको। तो लड़का कहता है मर्द को घर पर नमाज पढ़ने के बजाय मस्जिद में बजमात नमाज पढ़नी चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या सोच है इस लड़के की जो इस उम्र में नमाज को लेकर इतना फिक्रमंद है, और एक हम हैं जिन्हें नमाज की परवाह ही नहीं। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हज़रात आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो के मुताल्लिक आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।